सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 401 लाइनर सोशल साइंस के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले तीन पार्ट में अभी तक हम 150 क्वेश्चन तक की बात कर चुके हैं। अगर वो पिछला थर्ड पार्ट आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसके आगे के 50 क्वेश्चन। तो इसमें यानी कि इस वीडियो में जो है जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो हमारे राजन के हैं और उसके बाद के क्वेश्चन जो है हमारे पवन के स्टार्ट होंगे। इसलिए आपको जो कवर पेज है, थंबनेल है, उस पर जो है राजन प्लस पवन करके लिखा दिखाई दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 से। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का दो उद्देश्य बताइए। तो ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आप देख रहे हैं, यही जो है हमारी नाबार्ड बैंक की फुल फॉर्म होती है। बात करते हैं इसके बारे में, यानी इसके दो उद्देश्यों के बारे में। तो पहला उद्देश्य हो जाएगा कुटीर तथा लघु उद्योग के विकास हेतु वित्तीय सहारा देकर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। तो मतलब कहने का है मतलब यहाँ पर कि जो ये बैंक है वो मुख्य रूप से जो कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, कृषि से रिलेटेड उद्योग हैं या कृषि है, उन सभी में जो सहायता प्रदान करना और मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों को जो है वो शामिल करना। दूसरा पॉइंट है कृषि मजदूरों एवं ग्रामीण कारीगरों के आर्थिक कल्याण के लिए ठोस कार्य किया जाए, ये भी जो है इनका उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न 79 है, नाबार्ड का पूरा नाम लिखिए। तो पूरा नाम होता है राष्ट्रीय, यहाँ पर राष्ट्रीय गलत लिखा है हमारा, राष्ट्रीय इस प्रकार लिखते हैं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है इसका फुल फॉर्म होता है। थोड़ा सा बात करते हैं नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के बारे में। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई महाराष्ट्र में स्थित भारत का एक शीर्ष बैंक है। इसे कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में यानी कि कृषि में जो लोन लेते हैं उससे जुड़े क्षेत्रों में योजना और परिचालन के नैतिकत मामलों में तथा भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए मान्यता प्रदान की गई है। तो मुख्यतः आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से ही रिलेटेड ये बैंक होती है। इसकी बात करें अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष जो हैं वो वर्तमान में हर्ष कुमार भवला हैं। हर्ष कुमार भवला जो हैं वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न 80 हमारा कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को जो है वो की गई थी। अगला प्रश्न हमारा 81 है कि भारत में कृषि वित्त की सर्वोच्च संस्था कौन है। मैंने अभी आपको बताया कि कृषि से रिलेटेड जो पैसा प्रोवाइड हो रहा है या कृषि से रिलेटेड लोन ले रहे हैं वो सभी जो है जो या कह सकते हैं उन सभी क्षेत्रों में जो सबसे उच्च लेवल पर या सबसे हाई लेवल पर जो संस्था है वो हमारी नाबार्ड ही होती है। और जो नाबार्ड है इसकी इंग्लिश में भी जो है हम फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, हिंदी में तो हमने आपको बता दी। नाबार्ड जो है इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है वो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है। याद रखिएगा, हो सकता हो वन लाइनर में जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न 82 है हमारा कि नाबार्ड का प्रमुख कार्य बताइए। तो पहला कार्य है कि 18 महीने से 7 वर्ष के लिए मध्यकालीन ऋण राज्य सरकारी बैंक व प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को कृषि विकास और इनके द्वारा जो निर्धारित अन्य कार्य हैं उसके लिए दिया जाए। तो मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः इसका अगर आप कार्य या इसका उद्देश्य पूछा जा रहा है तो ऋण संबंधी लिख सकते हैं आप। दूसरा पॉइंट है हमारा कि यह 18 महीने तक की अवधि के लिए अल्पकालीन साख राज्य सरकारी बैंकों, प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों व अन्य संस्थाओं को प्रदान करेगा ताकि उसका उपयोग कृषि कार्यों के लिए, विशिष्ट उत्पादन व बिक्री क्रियाओं के लिए किया जा सके। अगला प्रश्न 83 है हमारा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम बताइए।
अब राष्ट्रीयकृत बैंकों के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी आता है, इलाहाबाद बैंक भी आता है, यहाँ पर इलाहाबाद लिखा है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स भी आता है। तो ये सभी जो है वो राष्ट्रीयकृत बैंक के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर राष्ट्रीयकृत बैंक वर्ड आया है, ये भी जान लेते हैं क्या होता है। तो राष्ट्रीयकरण से मतलब होता है पब्लिक सेक्टर की संपत्ति का संचालन राज्य या केंद्र सरकार द्वारा करना। भारत में जो बैंक पहले से प्राइवेट सेक्टर के अंतर थे, उन्हें राष्ट्रीयकरण करके अधिनियम के अनुसार पब्लिक सेक्टर यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें बदला गया, जिससे राष्ट्रीयकृत बैंक जो है वो अस्तित्व में आए। और जो बैंकिंग सिस्टम है भारत में, जो विकास है वो ब्रिटिश काल में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 3 बैंक स्थापित किए थे। 1809 में जो है वो बैंक ऑफ बंगाल था, 1840 में जो है वो बैंक ऑफ बॉम्बे था, और 1843 में जो है वो बैंक ऑफ मद्रास था। और इन तीनों बैंकों को जो है वो मिला दिया गया था, और इम्पीरियल बैंक जो है वो अस्तित्व में आया था, जिसे बाद में 1955 में SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अधिग्रहण कर लिया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 84 है कि भारतीय आधुनिक बैंकों के कार्य लिखिए। तो पहला हो जाएगा बैंक समाज को सस्ते तथा सुविधाजनक विनिमय का माध्यम प्रदान करते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण जो है वो चेक तथा नोट हो जाएगा। दूसरा है मुद्रा को एक व्यक्ति या देश से दूसरे व्यक्ति या देश तक पहुंचाना। तो ये दोनों जो है वो आधुनिक बैंकों के कार्य के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई। तो ये कब हुई थी, 1 जुलाई 1955 में। इसके अलावा RBI जो है इसकी स्थापना और इसका जो राष्ट्रीयकरण है उससे रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो RBI की स्थापना और इसका राष्ट्रीयकरण आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है। RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो किस वर्ष हुआ था, इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है। और इसका जो आंसर है वो हम अगले यानी कि 5वें पार्ट में जो है वो बता देंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 86 है हमारा कि भारतीय स्टेट बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है। तो ये जो है वो मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 87 है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना का उद्देश्य बताइए। तो रिजर्व बैंक के एजेंडे के रूप में कार्य करना इसका पहला उद्देश्य हो जाएगा। दूसरा है ऋण प्रदान करना, तीसरा है जनता से जमा स्वीकार करना, और चौथा है विदेशी बैंकिंग का कार्य करना। तो ये सभी जो है वो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के उद्देश्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 88 हमारा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से लागू हुई थी। तो हम आपको ये प्रीवियस पार्ट में बता चुके हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2017 तक चलेगी, यानी कि चली थी क्योंकि 2017 जो है वो निकल चुका है। इस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र के लिए निजी निवेश पर जो है वो जोर दिया गया था। तो यहाँ तक जो है हमारे राजन के जो है वो क्वेश्चन समाप्त होते हैं। टोटल 11 क्वेश्चन हमारे इसमें बचे और रह गए थे। अब आगे से हम यहाँ के जो क्वेश्चन देखेंगे वो हमारे सभी क्वेश्चन जो है वो पवन के होंगे, जिसमें हम अलग अलग चैप्टर वाइज जो है वो क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो टोटल अभी तक हम 11 क्वेश्चन देख चुके हैं राजन वाले सेट से, और अब हम 39 क्वेश्चन और देखेंगे, जिससे कि 50 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे इस फोर्थ पार्ट के। और जो पवन के क्वेश्चन है इसमें चैप्टर वाइज दे रखे हैं। तो पहला हमारा चैप्टर है भारत में मुगल साम्राज्य, तो उसके सारे क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो हमने बाबर का जो सेपरेट वीडियो बनाया था उसमें आपको बाबर के चारों ही युद्ध जो है वो ट्रिक से बताए थे, पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली, घाघरा पहनकर। तो ये चारों युद्ध जो है आपको इसी से याद हो जाएंगे। यानी कि पहला वाला युद्ध जो आप देख रहे हैं पानी पीकर यानी पानीपत का युद्ध, दूसरा था खाना खाकर यानी कि खानवा का युद्ध, तीसरा था चंदेरी चली यानी चंदेरी का युद्ध, और चौथा था घाघरा का युद्ध। तो आप देखिए इसमें खाना आ रहा है यानी कि खानवा का युद्ध जो है वो बाबर के द्वारा लड़ा गया था।
तो ट्रिक से आपको ये पता चल गया, और हमने आपको सन भी बताए थे, पहला 1526, दूसरा 27, फिर 28, फिर 29, तो आपको खानवा का युद्ध ये भी पता चल गया 1527 में। अब आपको इतना तो पता चल गया कि बाबर ने लड़ा था और 1527 ईस्वी में, और राणा सांगा आप एक्स्ट्रा अलग से जोड़ देंगे, तो ट्रिक देखिए कहीं ना कहीं काम जरूर आती है। तो बात करें उत्तर की, तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 ईस्वी में हुआ था। राणा सांगा का पूरा नाम संग्राम सिंह था, और ये भी हमने आपको बताया था कि जो बाबर है उसने जो चारों युद्ध हमने अभी आपको बताए, चारों ही इसी ने जीते थे। तो आप एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि बाबर और राणा सांगा में जो युद्ध हुआ था खानवा का, उसमें बाबर जो है वो विजयी रहा था। आगे बात करें तो बाबर ने फतेहपुर सीकरी आगरा से 30 मील की दूरी पर खानवा नामक स्थान पर राणा सांगा को युद्ध में हरा दिया था। देखिए यहां पर यह चीज लिखी भी है। अगला प्रश्न दो है हमारा कि बाबर की आत्मकथा का नाम लिखिए। 2017 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है हमारा। बाबर एक उच्च कोटि का साहित्यकार था, उसने अपनी आत्मकथा जो है वो तुझके ए बाबरी नामक तुर्की भाषा में लिखी। काफी इंपॉर्टेंट बुक है, जरूर याद रखिएगा। और कहीं कहीं जो है इस भाषा को चगताई तुर्की भी लिख दिया जाता है। अगला प्रश्न तीन हमारा कि शेरशाह ने दिल्ली पर कब से कब तक शासन किया, उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई। तो शेरशाह ने 1540 से 45 ईस्वी तक कुल 5 वर्ष ही दिल्ली की गद्दी पर शासन किया, जो कि हमने आपको सेपरेट वीडियोस में बताया भी था कि जो शासन है वो किसका चल रहा था, हुमायूं का। हुमायूं के शासन के बीच में ही इसने जो है वो युद्ध किया था, और हुमायूं के शासन के बीच में ही जो है इसने शासन किया था। हुमायूं का टाइम पीरियड था 1530 से 1556 ईस्वी तक, और शेरशाह का था 1540 से 45 ईस्वी तक। तो जो टोटल हुमायूं का टाइम पीरियड था उसी के बीच में जो है जो शेरशाह है उसने शासन किया था। आगे बात करें, किंतु अपने शासन में उसने ऐसा सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा तैयार किया था जिससे बाद में मुगलों को शासन को सुचारू रूप से चलाने में लाभ मिला। 1545 में शेरशाह ने कालिंजर के किले का घेरा डाला था, तभी बारूद के एक ढेर में आग लगने से जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। शेरशाह के बारे में एक दो पॉइंट और बात करें तो इसके बचपन का नाम जो है वो फरीद खां था, और ये जो है वो सूर वंश से संबंधित था। और जो शेरशाह है वो बिलग्राम का युद्ध जो 1540 ईस्वी में हुआ था, इसी के बाद जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, क्योंकि देखिए टाइम पीरियड भी इसका 1540 से ही स्टार्ट है, तो यहीं से जो है ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। शेरशाह के बारे में एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि इसने जो है वो ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी, और जो डाक प्रथा है उसका प्रचलन भी शेरशाह के द्वारा ही कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा 2017 का द्वितीय बार के पेपर में हम उसको शामिल कर चुके हैं, इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया है। 5 की तरफ बढ़ते हैं, तो अकबर की धार्मिक नीति क्या थी। अकबर अन्य धर्मों के प्रति उदार था, उसने सर्वमान्य धर्म दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, अकबर ने की थी। कब की थी, 1582 में जो है वो की थी। दोनों ही चीज़ें आप एकदम रट लीजिए, 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। और अकबर के बारे में ही जो है वो दास प्रथा का अंत भी पूछा जाता है, तो 1562 में जो है वो दास प्रथा का अंत अकबर ने ही जो है वो किया था। आगे बात करें तो उसने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना यानी कि प्रार्थना गृह बनवाया, जहां वह सभी धर्मों के लोगों के साथ धार्मिक चर्चा करता था। सन 1605 में जो है वो अकबर की मृत्यु हो गई थी। अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से 1605 ईस्वी तक जो है वो चला था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए अगला क्वेश्चन जो 6 है वो भी हमारा प्रीवियस ईयर 2016 में हम कवर कर चुके हैं, इसलिए उसको हमने स्किप कर दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ की, जहांगीर का परिचय दीजिए। तो जहांगीर जो है वो अकबर का पुत्र था। जहांगीर का जन्म जो है 1569 ईस्वी में हुआ था। उसका बचपन का नाम जो है वो सलीम था। अकबर के नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना से सलीम ने तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। और अकबर का जो शासनकाल है वो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक जो है वो चला था। अकबर की मृत्यु के बाद सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से सन 1605 ईस्वी में आगरा में हुआ था। ये तो बात हो गई इसके बारे में। और जो जहांगीर है इसकी आत्मकथा की बात करें तो इसकी आत्मकथा का नाम था तुझके ए जहांगीरी, और जिसकी आत्मकथा थी इसको पूरा करने का श्रेय जो है वो मौत बिंद खा को जो है वो जाता है।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि नूर जहां का वास्तविक नाम क्या है, उसका पूर्व पति कौन था। तो जहांगीर ने कई विवाह किए थे, शेर अफगान की विधवा नूर जहां से किया गया विवाह जो है इनमें से प्रमुख था। नूर जहां तेहरान निवासी गयास बेग की पुत्री थी, उसका बचपन का नाम जो है वो मेहरुन्निसा था। तो यही हमारा क्वेश्चन पूछा था, नूर जहां का वास्तविक नाम क्या था, मेहरुन्निसा। आगे बात करें तो उसका पहला विवाह शेर अफगान नामक एक ईरानी के साथ हुआ था। उसकी बुद्धि और सुंदरता के कारण जो जहांगीर है उसके द्वारा नूर जहां की उपाधि प्रदान की गई थी, यानी कि नाम वास्तविक जो है वो मेहरुन्निसा था और जो जहांगीर है उसने उसे नूर जहां की उपाधि प्रदान की थी। और नूर जहां जो है वो जहांगीर की पत्नी थी, ये आप याद रख सकते हैं इसी के नाम से। देखिए नूर जहां जो है इसके लास्ट में क्या आ रहा है, जहां, और इसी जहां से क्या बन जाएगा, जहांगीर। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां ने क्या सहयोग दिया। तो जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण थी। वह योग्य महिला थी, उसने अपने राज्य के कार्यों में जहांगीर को पूरा सहयोग किया एवं बादशाह के व्यसनों पर नियंत्रण किया। व्यसनों मतलब स्वप्नों पर। वह बड़ी बलवती और साहसी महिला थी, वह जहांगीर को युद्ध में भी सक्रिय सहयोग देती थी। वह सुशिक्षित, सुसंस्कृत और कलाप्रिय महिला थी। अगला प्रश्न 10 है हमारा कि जहांगीर द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों का परिचय दीजिए। तो जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही न्याय के लिए दिलचस्पी दिखाई, लोक हित के लिए अनेक कानून बनाए, आगरा किले में शाह बुर्ज पर खंभे से एक घंटा भी लटकाया, फरियादी उसकी जंजीर खींचकर बादशाह तक अपनी फरियाद भी जो है वो पहुंचा सकता था। तो न्याय की जंजीर जो है आपको कहाँ देखने को मिलती है, जहांगीर के शासनकाल में। काफी बार जो है वो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि न्याय की जंजीर के लिए किसको याद किया जाता है, तो ये जहांगीर को याद किया जाता है। आगे बात करें तो जहांगीर उच्च कोटि का विद्वान था, उसे फारसी का अच्छा ज्ञान था, उसने तुझके ए जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी, जो कि अभी हमने आपको बताया कि मौत बिंद खां ने जो है उसे पूरा कराने का उसको श्रेय जाता है। उसे कला से भी अच्छा प्रेम था, उसे इमारतें बनवाने एवं उद्योग लगवाने का भी बहुत शौक था, वह साहित्यकार और चित्रकारों का आश्रय दाता भी था। अगला प्रश्न 11 है हमारा कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था और इसे कौन लूट कर ले गया था। मयूर सिंहासन तख्ते हाउस शाहजहां ने बनवाया था, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। इसकी संरचना जो है वो बहुमूल्य रत्नों एवं कोहिनूर हीरे से की गई थी। यह एक सुनहरे रंग का खाट के रूप का था, इसमें मीनाकारी किए गए 12 खंभे थे तथा प्रत्येक खंभे पर 2 मयूर थे, जिसके बीच वृक्ष पर हीरा, पन्ना, मोती एवं लाल मणियों आदि से नक्काशी की गई थी, जिसे बाद में सन 1739 में नादिर शाह जो है वो लूट कर ईरान ले गया था। और मयूर सिंहासन बनवाया जो है वो शाहजहां ने, आप याद कर सकते हैं ताजमहल से। जैसे कि ताजमहल में बहुत नक्काशी की गई है, उसी प्रकार मयूर सिंहासन में भी आप देख रहे हैं 2 मयूर हैं और उस पर हीरा जड़े हैं। तो इससे थोड़ा सा आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था और उसी की तरह जो है वो मयूर सिंहासन भी बनवाया था, और इसे जो है लूट कर कौन ले गया था, नादिर शाह 1739 में। अगला प्रश्न 12 है कि नूर जहां मकबरा तथा कोहिनूर शब्दावलियों के शाब्दिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो नूर जहां हमने आपको बताया जहांगीर की पत्नी थी, जो जहां है नूर जहां में उसे आप याद रख सकते हैं। जहांगीर ने उसकी सुंदरता के कारण उसे जो है वो नूर जहां की उपाधि प्रदान की थी। मकबरा की बात करें तो बादशाहों की जो कब्र है उनके ऊपर बना स्मारक जो है वो मकबरा कहलाता था। और कोहिनूर की बात करें तो मयूर सिंहासन से जड़ा हुआ ही बहुमूल्य हीरा जो है वो कोहिनूर कहलाता था। और मयूर सिंहासन अभी हमने आपको बताया शाहजहां ने जो है वो बनवाया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि औरंगजेब को शासन ग्रहण करते समय किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। औरंगजेब को शासन ग्रहण करते ही अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अधिकारियों की संख्या बढ़ने से पर्याप्त जागीरें और वेतन की आवश्यकता थी। जागीर तबादले की आशंका से जागीरों के अंदर खेती बढ़ाने में रुचि नहीं रखते थे, इससे लगान भी जो है वो कम मिलने लगा। जब खेती ही नहीं बढ़ेगी तो जो खेती है या कृषि है उस पर लगान भी कम हो जाएगा। औरंगजेब की स्थिति एक अनार सौ बीमार जैसी हो गई थी। औरंगजेब ने अपने राज्य की समस्याओं से निपटने के लिए अहोम, असम, बीजापुर तथा
गोलकुंडा राज्यों को अपने अधिकार में ले लिया, किंतु जितना लगान इन राज्यों से मिलता था उतना ही नए अमीरों पर खर्च भी करना पड़ता था। उनके विद्रोह को शांत करने के लिए धन, समय और ऊर्जा भी व्यय करनी पड़ती थी। अगला प्रश्न 14 है हमारा कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण की सूची बनाइए। तो पहला कारण है कि औरंगजेब की धार्मिक नीति। सबसे लास्ट जो है जो शासक था मुगल साम्राज्य का तो वो कौन था? औरंगजेब। अब सबसे लास्ट में आ रहा है तो उसकी धार्मिक नीति सही नहीं थी, इसी कारण कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। औरंगजेब की दक्षिण नीति, अयोग्य सम्राट। अयोग्य सम्राट आप किसी में भी पॉइंट लिख सकते हैं कि उस शासन या उस जो साम्राज्य उसका पतन क्या कारण हो सकता है, जो लास्ट वाला जो शासक होगा वो उसके जो राजा महाराजा हैं वो अयोग्य होंगे, या कह सकते हैं अयोग्य उत्तराधिकारी होंगे। और अगला पॉइंट है ये देखिए उत्तराधिकार से रिलेटेड कि उत्तराधिकार के नियम का अभाव, साम्राज्य की विशालता, मराठों का उत्थान, सैयद बंधुओं का उत्थान, आर्थिक दुर्बलता, निरंकुश शासन और विदेशी आक्रमण और अंग्रेजों का उत्कर्ष, ये सभी जो है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला प्रश्न 15 है हमारा कि शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था। जौनपुर के शासक ने फरीद को जो है वो शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। और सेपरेट वीडियो में हमने आपको बताया था कि शेर खां की उपाधि इसे इसलिए मिली थी क्योंकि जो फरीद है उसने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इसी बहादुरी से जो प्रसन्न होकर अफगान के जो शासक थे जिनका नाम था मुहम्मद बहार खान लोहानी, इन्होंने इसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। प्रश्न 17 है कि शेर शाह ने भूमि की पैमाइश क्यों करवाई? तो शेर शाह ने भू राजस्व की दृष्टि से भूमि की पैदाइश करवाई थी। अगला प्रश्न 18 है कि शेर शाह द्वारा बनवाई गई किसी एक सड़क का नाम बताइए। तो अभी हमने आपको बताया था ग्रांड ट्रंक रोड। शेर शाह ने बंगाल से दिल्ली, लाहौर होकर पंजाब तक की सड़क बनवाई थी, इसी को ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। अगला प्रश्न 19 है कि शेरशाह द्वारा किए गए दो हितकारी कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो पहला हो जाएगा डाक चौकियों की व्यवस्था कराई थी, जो मैंने आपको बताया था डाक व्यवस्था। दूसरा था शिक्षा के विकास के लिए कई मदरसे व मकतब भी बनवाए थे। अगला प्रश्न 20 है शेरशाह ने किस वंश की नींव डाली थी? तो सूर वंश की नींव डाली थी। अगला प्रश्न 21 है शेरशाह के पिता का नाम क्या था? तो शेरशाह के पिता का नाम हसन था। अगला प्रश्न 22 हमारा शेर शाह की शेर खां उपाधि क्यों दी गई थी? तो शेर मारने के कारण उपाधि दी गई थी, अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया भी। अगला प्रश्न 23 है कि शेर शाह द्वारा लड़े गए दो युद्धों के नाम लिखिए। तो चौसा युद्ध और कन्नौज का युद्ध, और कन्नौज के युद्ध को ही हम बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं, और यही युद्ध जो है वो 1540 में हुआ था, और जो चौसा का युद्ध ये है 1539 यानी कि 1539 में हुआ था। अगला प्रश्न 24 है कि शेरशाह द्वारा बनवाई गई दो इमारतों के नाम लिखिए। तो रोहतासगढ़ का किला और सहसराम का जो है वो मकबरा इसी के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न 25 है शेरशाह की भूमि व्यवस्था की दो विशेषताएं लिखिए। तो संपूर्ण भूमि की नाप एवं लगान का निर्धारण जो है वो विशेषताएं दो हो जाएंगी। अगला प्रश्न 26 है कि शेरशाह द्वारा किए गए दो लोक हितकारी कार्य लिखिए। तो सरायों का निर्माण एवं सड़कों का निर्माण हो जाएगा। सड़कों का निर्माण मैंने आपको ग्रांड ट्रंक रोड बताया, तो वहां से आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 27 है मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में तथा किसके द्वारा हुआ था? 2018 के पेपर में बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो मुगल काल में अकबर के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न बाबर के पुत्रों के नाम लिखिए। मुख्यतः जो है इसके चार पुत्र जाने जाते हैं, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल, यही चार पुत्र जाने जाते हैं। यहाँ पर पांच लिखे हैं, हुमायूं, कामरान, मिर्जा, हिंदाल, अहमद और शाहरुख। अगला प्रश्न 29 है हुमायूं की असफलता के दो कारण लिखिए। तो अफगानी शत्रु और हुमायूं के सगे संबंधी जो है वो असफलता के दो कारण हो जाएंगे। अगला प्रश्न 30 है कि जहांगीर द्वारा विजित चार राज्यों के नाम लिखिए। तो कांधार, मेवाड़, अहमदनगर और कांगड़ जो है वो चार विजित या इसके द्वारा जीते गए चार राज्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न 31 है हमारा कि औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन राज्यों पर आक्रमण किया था? तो बीजापुर पर किया था और गोलकुंडा पर किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। देखिए सभी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो
कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको याद भी साथ में करते चलिएगा। और एक से दो बार आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको स्वतः ही जो है वो याद हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 है कि हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन कौन से युद्ध हुए। तो पहला हुआ था 1539 में चौसा का युद्ध, और दूसरा हुआ था 1540 में कन्नौज का युद्ध। देखिए अभी दोनों ही हमने आपको बताया, दोनों ही क्वेश्चन में पूछ भी लिए गए। अगला प्रश्न 34 है कि कबूलियत किसे कहा जाता था। किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर दे लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देने को ही कबूलियत कहा जाता था। अगला प्रश्न 35 है कि भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक द्वारा डाली गई थी। तो ये जो है वो बाबर के द्वारा डाली गई थी, और बाबर से ही हमारा मुगल जो साम्राज्य है वो स्टार्ट होता है। बाबर जो था उसने 21 अप्रैल 1526 को, जो कि उसका पहला युद्ध था, हमने आपको बताया था, पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को जो है वो हरा दिया था। और इसी युद्ध से जो लोदी वंश था हमारा, यानी कि दिल्ली सल्तनत वाला, वो समाप्त हो गया था और मुगल साम्राज्य जो है वो स्टार्ट हो गया था। और मुगल जो वंश की नींव थी वो वहीं से पड़ गई थी, तो वही जो है वो हमारा बाबर उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 है हमारा कि चौसा का युद्ध किनके मध्य हुआ था। तो ये जो है वो हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न 37 है कि अकबर के कार्यकाल में आमिल का क्या कार्य था। तो ये जो है वो राजस्व वसूली कार्य होता था। अगला प्रश्न 38 है हमारा कि जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम था। तो ये जो है वो तुझके ए जहांगीरी था। मैंने आपको बताया था सभी की आत्मकथा जरूर याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। बात करते हैं अगले और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की कि दीवाने खास तथा दीवाने आम किस शासक द्वारा बनवाए गए थे। तो ये जो है वो शाहजहां के द्वारा बनवाए गए थे। शाहजहां का जो शासनकाल है वो 1627 से 1657 ईस्वी तक जो है वो चला था। और इसके साथ साथ शाहजहां के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी कि जो शाहजहां है इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। सभी जितने भी शासनकाल हुए थे मुगल साम्राज्य में, किसी ना किसी क्षेत्र में जो है वो स्वर्ण काल उनको कहा जाता है। सेपरेट वीडियोज में हम आपको सभी बता चुके हैं, अगर वो नहीं देखा आपने उसको जरूर देखिएगा। तो इसी के साथ हमारे इस पार्ट के टोटल 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आगे क्वेश्चन जो है हम अगले पार्ट में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन करें, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।